नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। सपा नेता जावेद पंप से जेल में मिलेगा सपा डेलीगेट, प्रयागराज अटाला हिंसा का मुख्य आरोपी है। मथुरा के रंगनाथ मंदिर में हुआ माता गोदा का विवाह, 5 दिवसीय विवाह उत्सव का हुआ समापन। एसओ दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर, फेरी वाले की हत्या में झूठा किया था खुलासा। मेरठ में डॉगी ने मालकिन को बदमाशों से बचाया पिस्टल तानी तो हमलावर हुए घर में घुस रहे थे। कानपुर में सर्दी का सितम दोबारा शुरू, न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री पहुंचा, 2 दिन अभी और जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। लखीमपुर खीरी में आमने सामने 2 कारों की टक्कर, मां की मौत, 2 बेटियां जख्मी, कोहरे के कारण हुआ हादसा। दो दिन में दूसरी बार दिखा तेंदुआ, मेरठ में 5,000 घरों में लोगों ने दहशत में गुजारी रात, भाला लाठी लेकर जाग रहे हैं। आजमगढ़ में कोविड की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, युवाओं के पंजीयन शिविर लगाने की बनाई जा रही योजना। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से युवक की मौत, 1 घायल, देर रात घर लौट रहे थे दोनों चालक, वाहन लेकर मौके से फरार। कानपुर देहात में 3 गोवंशीय तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर से 55 गोवंश बरामद, आरोपियों ने कबूला कटान को ले जा रहे थे पशु। बेटे ने ही की थी कुष्ठ रोगी मां की हत्या, दवा दिलाने के बहाने 80 साल की मां को घर से ले जाकर जंगल में फेंकाया। शाहजहांपुर में बंदी की मौत, परिवार ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। बांदाकोट की सुरक्षा में तैनात दरोगा का निधन, हार्ट अटैक आने से मौत, 5 महीने पहले ही बने थे सब इंस्पेक्टर। औरैया में सड़क किनारे युवक का मिला शव, 1 दिन से गायब था, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धरने पर बैठे नेपाल प्लेन हादसे में मृतक के परिजन बोले, शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई मिलने अभी तक नहीं आया है। ट्रक चालक निकला फ्रॉड, झारखंड के बजाय पहुंचा हवालात, वाहन लदा एंगल कबाड़ी को बेचकर डीसीएम छोड़ा लावारिस। मेरठ में 10 साल की बच्ची का किडनैप, पीड़ित पिता ने अपहरण कर बेचने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। औरैया में अनियंत्रित कार ने बाइक में मारी टक्कर, गंभीर हालत में 4 लोग, कानपुर हेलीकॉप्टर ड्राइवर, चालक फरार हुआ। शराब लाने के विवाद में हुई थी राकेश की हत्या, पड़ोसी ने ईंट से सिर कुचल कर मार डाला था आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में आग लगने से 3 घर जले, गृहस्थी का सारा सामान राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बहराइच में गोवध के तीन आरोपी गिरफ्तार। तीन दिन पहले पशुओं को मारने के बाद बाग में फेंके थे मांस के टुकड़े। मथुरा में नाबालिग से दुराचार। गांव के दो युवकों पर रेप का आरोप। वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। ग्रेटर नोएडा में दिखा शिमला जैसे नजारा। गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ। चादर। दो दिनों से बढ़ी है ठंड। रेलवे रिश्वत कांड में हुई थी हरिओम की गिरफ्तारी। बुलंदशहर से सीबीआई ने नकदी के साथ पकड़ा था। बिजनौर में क्लिनिक के चोरों ने तोड़े ताले। हजारों का माल लेकर हो गए फरार। किराना स्टोर को भी बनाया अपना निशाना। लखनऊ के अमीनाबाद स्थित दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। हमीरपुर में सड़क पर खड़ी ट्राली टकराई बोलेरो से। हादसे में एक की मौत। कई लोग हुए घायल। कानपुर में कमिश्नर आवास के पास कुछ ही दूरी पर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर केक काटते वक्त मची भगदड़। धक्का मुक्की लूटपाट की तस्वीर हुई वायरल। कानपुर में सिपाही के तांडव का वीडियो वायरल। साथियों के साथ सिपाही ने मिलकर की थी पिटाई व लूट। वीडियो हुआ वायरल। देवरिया में मारपीट का वीडियो वायरल। युवक और पशु के साथ किया गया क्रूरता। मारपीट में चार लोग हुए घायल। गाजियाबाद में आयुष्मान कार्ड का किया गया वितरण। विधायक सुनील शर्मा ने किया वितरित। नेपाल प्लेन क्रैश के पहले का वीडियो वायरल। गाजीपुर के सोनू फेसबुक कर रहा था फेसबुक पर लाइव जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। गाजियाबाद में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया डिंपल यादव का जन्मदिन। जन्मदिन पर काटा केक। कार्यकर्ताओं ने बांटे कंबल। लखनऊ में मुर्दों के बीच फंसा इंसान। शव जलाने का मामला आया है सामने। निवासियों में बना भय का माहौल। रायबरेली में अज्ञात कारणों से घर के छप्पर में लगी आग। आग लगने से घर में रखा पूरा सामान हुआ जलकर राख। संभल में ग्रामीणों का आरोप। गांव व गंदगी के जल भराव से गांव में चल रही तरह तरह की बीमारियां। नहीं हो रही साफ सफाई। रायबरेली में सड़क हादसे में मृतक आशीष तो एवं घायलों के परिजनों से मिले सपा प्रतिनिधि मंडल द्वारा चेक किए गए वितरित। संभल में झोपड़ी में आग लगने से चार पशुओं की झुलसकर मौत। सपा प्रतिनिधि मंडल के मृतक आश्रितों को किया गया चेक वितरित।
कानपुर में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान अनुमान लगाया जा रहा है, लाखों का सामान जलकर हुआ है राख। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर बनेगी पंचवटी, एयरपोर्ट को हरियाली बढ़ाने की मिल चुकी है अनुमति। कानपुर में कार बनी आग का गोला, लोगों ने पानी डालकर बुझाई आग। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्राली से टकराए तेज रफ्तार बाइक सवार, हादसे में बाइक सवार की युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर देहात में पुलिस ने कंटेनर से 55 गोवंशों को किया बरामद, गोवंश सहित 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया, लाखों रुपए की दवा व कोविड किट नाली में फेंका गया। कानपुर में टेम्पो चालकों की दबंगई आई सामने, बीच सड़क पर पति पत्नी और उसके छोटे बच्चों से की मारपीट। संभल में सांड के हमले से महिला की मौत, मौत से गांव में मचा कोहराम, छुट्टा पशु जान के दुश्मन बने हैं इंसानों के, लगातार हो रहे हादसे। कानपुर में तवंचा लगाकर पेट्रोल पंप कैशियर के साथ लूट, बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ के लोहिया संस्थान के प्रोफेसर से 12 लाख की ठगी, डॉक्टर अंशुमान पांडे से जमीन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। संभल में तेज रफ्तार का कहर जारी, अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा टक्कर मारकर वाहन चालक हुआ फरार। कुशीनगर पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा पर रौना हुआ भव्य स्वागत, माल्यार्पण तथा जयघोष के नारों के साथ हुआ भव्य स्वागत। राजधानी के बीकेटी ब्लॉक में प्रधानों का धरना प्रदर्शन, मनरेगा में आ रही समस्याओं को लेकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 जनवरी को केसीआर की जनसभा में होंगे शामिल। मथुरा में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, खेलते समय गांव के 2 लड़के घर उठा ले गए, दरिंदगी का वीडियो बनाकर डराया। बीएचयू से कपड़ा व्यापारी किडनैप, घर पहुंचा बेटे का फोन, कहा 8 लाख का इंतजाम करो, मैं मुसीबत में हूं। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत, बेटी की शादी में शामिल होगा, 14 दिन के लिए पैरोल पर रिहा। बलरामपुर में नवांगत पुलिस अधीक्षक ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं, कहा संगठित अपराध को रोकना पुलिस की प्राथमिकता। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कुल 25 स्टूडेंट को दिया स्वर्ण पदक। देवरिया में कृषि मंत्री ने किया कंबल वितरण, 300 से अधिक जरूरतमंदों को बांटे कंबल, बोले असहायों की सेवा सबसे बड़ा धर्म। मुरादनगर में गोली मारकर युवक की हत्या का प्रयास, सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी पुलिस, एसीपी ने किया घटनास्थल का मुआयना। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, तमंचे के साथ 3 गिरफ्तार, चोरी और लूटपाट की घटना को देते हैं अंजाम।
तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से दो दोस्तों की मौत, बाइक से गन्ना छीलने खेत में जा रहे थे, परिजनों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। युवक को लोहे की रॉड से पीटा, आगरा में लेनदेन के विवाद में सगे भाइयों ने सड़क पर गिराकर मारा एक आरोपी गिरफ्तार। नर्सिंग होम में बच्चे के इलाज के दौरान मौत, फतेहपुर में परिजनों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, एसडीएम ने जांच का दिया आदेश। चित्रकूट में वन्यजीवों की मौत का सिलसिला जारी, वन विभाग ने चीतल के मांस से तीन को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में 10 दिन बाद भी चोरी का नहीं हुआ खुलासा, कर्मचारी नेता के घर हुई लाखों की चोरी पर कर्मचारी संगठन ने जताया आक्रोश। मऊ में एमआर ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी भी की, कंपनियों पर प्रताड़ित करने का आरोप, कहा जबरन निकाल रहे हैं। शामली में बढ़ रही सड़क हादसों की संख्या, 12 महीने में 111 की मौत, वाहन चालकों पर सड़क सुरक्षा अभियान का असर नहीं। बिजनौर में स्कूल में खड़ी एक वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी आग, स्कूल स्टाफ ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोंडा में महिला का मकान बनवाने को लेकर दबंगों की धमकी, बेसहारा वृद्ध महिला एसडीएम के आदेश लेकर दर दर भटकने को मजबूर। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का गेट तोड़कर शव को कब्जे में लिया। बिजनौर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिलाई गई शपथ। मेरठ कॉलेज में छात्रों में मारपीट, फायरिंग, कॉलेज में छात्रों ने चलाई गोली, तीन छात्र घायल। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।